देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखा। कांग्रेस ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, बढ़ती महंगाई के विरोध में एक घंटे का मौन उपवास रखा और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जिला, शहर और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने मौन उपवास रखकर सरकार पर निशाना साधा। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मौन उपवास रखा। देश और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में है, आपके सामने है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, लेकिन महंगाई अपने चरम पर है, गरीब आदमी का जीना दूरभ हो गया है। दूसरी बात जो है, कोरोना की महामारी और ब्लैक फंगस की महामारी से सरकार निपटने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। कोई व्यवस्थाएं समय रहते हुए सरकार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कोरोना और ब्लैक फंगस के माध्यम से जो हजारों हजार लोगों की जो अकाल मृत्यु हुई है, इन मृत्यु के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तराखंड की सरकार जिम्मेदार है। महामारी आई वो एक बात है, महामारी को हटाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए था ये काम देश की सरकार और राज्य की सरकार था, दोनों ही सरकारें इसमें फेल हो गई। आज आदमी एक तो कोरोना के नाम से पीड़ित है, पहले तो बेड ही नहीं मिल रही थी, अब सारी बेड खाली है, जो नया भी बनाने जा रहे हैं उसमें भी नहीं। ऑक्सीजन की जो कमी हुई वो सरकार की लापरवाही और सही मैनेजमेंट ना होने के कारण हुआ, उसकी कमी से भी तमाम लोग मारे गए। देहरादून में सेवा समाप्ति के आदेश के बाद भी मनरेगा कर्मचारी धरने पर डटे हुए हैं। दरअसल बीते शनिवार को पिछले 79 दिनों से धरना दे रहे मनरेगा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में 1294 मनरेगा कर्मचारी, उनकी संख्या 1294 है और मनरेगा कर्मचारियों की मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो उनका कहना है कि बेरोजगार तो जरूर हो गए लेकिन प्रदर्शन जारी रहेगा और कर्मचारियों में सरकार और उच्च अधिकारियों के प्रति खासी नाराजगी है। मनरेगा कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ग्रेड पे दिया जाए। सेवाएं समाप्त होने के आदेश के बाद भी मनरेगा कर्मचारियों का धरना जारी है। या उत्तरकाशी के केदार घाट से हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर अर्ध चले अंतिम संस्कार के बाद मानव अंग पानी में बह गए, जिसके बाद उन्हें कुत्ते नोचते हुए दिखाई। कोरोना काल में अध जला अंतिम संस्कार, कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को ना देखें। मौत के बाद भी नहीं मिल रहा चैन, उत्तराखंड से कोरोना काल की इससे विभत्स, इससे दर्दनाक, इससे ज्यादा दिल दहला देने वाली और विचलित करने वाली तस्वीर शायद ही कोई देखी होगी। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के केदारघाट की हैं। यहाँ हुए अंतिम संस्कार से लोगों को उम्मीद थी कि उनके अपने जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष तो दूर की बात है, यहाँ तो शवों का सही से अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई अधजले शवों के अंग बह गए, जिसके बाद पानी में बहते शव को कुत्ते नोच रहे हैं। मैं यहाँ पे कल पेंटिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि लोग शवों को जला तो रहे हैं लेकिन शवों को आधा छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पे जिला प्रशासन और हमारी नगर पालिका को ध्यान देना होगा, क्योंकि हम एक तरफ से गंगा सफाई की बात करते हैं तो ये सफाई यहाँ पे दिख ही रही है कि मुर्दा कैसे यहाँ पे छोड़ा हुआ, कुत्ते और कौवे कैसे नोच नोच के उस लाश को खा रहे हैं। आरोप है कि इन झकझोरने वाली तस्वीरों को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका और जिला प्रशासन से शिकायत की, बावजूद इसके अध जले शवों के अंगों का सही से अंतिम संस्कार नहीं किया गया। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष का दावा इससे उलट है।
कोविड महामारी को देखते हुए आजकल काफ़ी लोग मृत हुए हैं और कोविड से बहुत सारी जाने गई हमारे बीच के बढ़ा के, लेकिन क्या हुआ कि काफ़ी लोग जो अंतिम क्रिया उनकी की गई धर्मानुसार, तो काफ़ी लोगों के कुछ अंग छूट गए थे जिनको कुत्ते अपने मुँह में लेके घूम रहे थे, जो मेरे संज्ञान में बीच में आया। तो मैंने या नगर पालिका ने एक निर्णय लिया कि हम एक व्यक्ति को वहाँ खड़ा करें, रखें, जो कि पूरी तरह उस डेड बॉडी को जलाए। इंसान एक तो बेवक्त ही कोरोना के चलते काल के गाल में समा रहा है, तो दूसरी ओर मृत्यु होने पर भी अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पा रहा है और नतीजा इस रूप में सामने आ रहा है जिसमें शवों के साथ ऐसी अमानवीयता हो रही है। दिग्वीर बिस्ट, एबीपी गंगा, उत्तरकाशी।